हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग जो है द सेल वाले चैप्टर के बाद नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड हाँ, मैंने अनाउंसमेंट किया था सेल डिवीजन का, बट ये चैप्टर स्टार्ट करना आपके लिए बिल्कुल एक सरप्राइज है। आप पूछो ऐसा क्यों? मेरी मर्जी ना, देखो मेरी मर्जी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि देखो, जैसे हमने एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, फिर हमने सेल पढ़ा है, फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और इसमें हम लोग एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको चैप्टर के अंदर डाइवर्सिटी मिलेगी, तो है ना, मतलब काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो होता है ना कि एक ही चीज़ कंटिन्यूस अगर रिपीट होती रहती है तो फिर बोरियत सी आने लगती है। ठीक है, तो चलो बोरियत को दूर करते हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा? ब्रीदिंग एंड गैशियस एक्सचेंज के बारे में। देखो यहाँ पे मैंने चैप्टर का नाम रेस्पिरेशन नहीं लिखा है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे चैप्टर का नाम मैंने रेस्पिरेशन नहीं लिखा है। रेस्पिरेशन अलग चीज होती है और ब्रीदिंग अलग चीज होती है। बच्चे बोलते हैं कि हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो दैट इज द रेस्पिरेशन। दैट इज टोटली रॉन्ग। रेस्पिरेशन कुछ और होता है, जो हम लोग ये तो क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं। समझ आया? तो अब मैं बताने वाली हूँ ब्रीदिंग के बारे में कि इस चैप्टर का मैं आपको समरी बता देती हूँ कि हम लोग जो है पहले हम पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो ऑब्वियसली आपने क्लास टेंथ में पढ़ा है, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो है आप लोग सांस कैसे लेते हो, कैसे गैसेज अंदर जाएगी, कौन सी बाहर आएगी, और ऐसा क्यों होता है कि हमारे ब्लड में ओनली ऑक्सीजन गैस जाती है और CO2 बाहर क्यों आती है, तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, मतलब आप लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, तो आप लोग बोलते हो हीमोग्लोबिन, और फिर टिश्यू से CO2 को वापस कौन लेके आएगा लंग्स तक, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होने वाला है, तो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में। ऑक्सीजन का जाना, CO2 का आना, तो दिस इज एक्सचेंज। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग के रेगुलेशन के बारे में कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन होता है, तो ब्रेन हमारी ब्रीदिंग को कैसे रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये चैप्टर इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, चल फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले मैं आपको शुरू करवाती हूँ कहाँ से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। देखो अगेन मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे रेस्पिरेशन टर्म जो है वो गलत होता है, एक्चुअल टर्म यूज करना चाहिए ब्रीदिंग का। बट हुआ क्या कि बहुत साइंटिस्ट ने पहले से ही रेस्पिरेशन टर्म यूज कर लिया था, जो है ना अभी तक वो ओल्ड कन्वेंशन मतलब चलता आ रहा है, रेस्पिरेशन टर्म आज भी यूज हो रहा है। ठीक है, बट रेस्पिरेशन वाला चैप्टर हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया? चलो अब देखो, इसके जहाँ चैप्टर शुरू हो रहा है ना, तो NCERT के अंदर वहां पे काफी सारे एनिमल किंगडम के नाम लिखे हुए हैं कि इंसेक्ट के अंदर ट्रेकियल सिस्टम होता है, ठीक है, इनके अंदर ये होता है, इनके अंदर ये होता है, वो मैं आपको सभी अभी नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे वो चीज वैसे ही रिवाइज हो जाएगी कि कौन से किंगडम के अंदर कौन से एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन का क्या मोड रहता है। समझ आ गया? तो यहाँ पे मैं सीधा स्टार्ट करती हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। हम लोग स्टार्ट कर दिया, जल्दी से, छोटा सा चैप्टर है, आ जाओ। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप लोगों ने शायद क्लास टेंथ में भी पढ़ा होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ गए, तो आज मैं जो है ना सिस्टम पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, नाउ देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो ये स्टार्ट होता है कहाँ पे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, फिर उसके बाद में होता है नेजल कैविटी, फिर उसके बाद में होता है फैरिंग्स, फिर होता है विंड पाइप, फिर होता है विंड पाइप को हम बोलेंगे ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड होगा ब्रोंकाई के अंदर, एंड ब्रोंकाई आगे ओपन होगी ब्रोंक्योल्स के अंदर, और ब्रोंक्योल्स फिर फाइनली ओपन हो जाएंगे यहाँ पे ईयर बैग के अंदर, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। वापस देखो, ट्रैकिया से ब्रोंकाई से ब्रोंक्योल्स, एंड ब्रोंक्योल्स फिर फाइनली ओपन होगी किसमें, इन ईयर बैग्स के अंदर, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। इतना समझ आ गया? चलो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉस्ट्रिल से।
चलो देखो, अच्छा बन गया ना डायग्राम। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये क्या होता है, नोज हो गया। तो इस नोज के अंदर यहाँ पे क्या होता है, नॉस्ट्रिल होता है, ये तो सबको ही पता है। बट ये वाला नॉस्ट्रिल कौन सा वाला है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। कौन सा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जिसको हम लोग और क्या बोलेंगे, नेयर्स। अब यहाँ पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहाँ पे ओपन होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये ओपन होते हैं नेजल कैविटी के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी क्या, नेजल कैविटी, ये वाला जो पार्ट है दिस इज नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। और आप लोगों ने क्या नोटिस किया है कि नेजल कैविटी जो है फिर फाइनली यहां पे प्रेजेंट होते हैं पोर्स, तो एयर यहां से एंटर होगी, तो इनको बोला जाएगा नॉस्ट्रिल। बट ये नॉस्ट्रिल कहां पे, अंदर की तरफ है, तो इनको बोला जाएगा इंटरनल नॉस्ट्रिल। अब ये जो इंटरनल नॉस्ट्रिल है ये फिर फाइनली ओपन होंगे कहां पे, एक पाइप के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप, या फिर बोलते हैं ट्रेकिया। तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज विंड पाइप, जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये पीछे हो जाता है फूड पाइप, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ईसोफेगस। ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, ईसोफेगस। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो मेन पार्ट्स को वापस एक बार आप यहाँ पे लिख रही हो, तो यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे कौन सा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का काम क्या होता है, या इनको बोलते हैं हम लोग नेयर्स। अब इनका काम क्या होता है, नाक का काम क्या होता है, ठीक है। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सेकंड हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, नेजल कैविटी। क्या डिस्कस करेंगे, नेजल कैविटी। आप देखो नेजल कैविटी हमारे पास इसके दो पार्ट हो गए, एक आगे वाला ये वाला इनिशियल पार्ट हो जाएगा और ये पीछे वाला पार्ट हो जाएगा। मतलब आप नाक में जहां तक हाथ डाल सकते हो ना, तो इस स्पेस को बोला जाता है वेस्टिब्यूल। क्या बोला जाएगा इसको, वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल का मतलब ही क्या होता है, स्पेस। तो ये वाला नाक की आगे वाला क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। और टेक्निकली इस वेस्टिब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो यहां प्रेजेंट होते हैं हेयर, और यहां पे सिक्रीट होता है म्यूकस, तो ये तो सबको ही पता होगा, ठीक है। तो ये जो हेयर हो गए और जो म्यूकस हो गए, इनका फंक्शन क्या होता है, तो हमारी हवा के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनको ये क्या करेगा, फिल्टर करने का काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, हवा को फिल्टर करने का काम करता है कौन, ये हेयर। एंड म्यूकस ऑब्वियसली कैसा होता है, स्टिकी होता है, तो स्टिकी होने की वजह से जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे वो सारे इसके ऊपर चिपक जाएंगे, ठीक है। नाउ अब नाक में हम लोग जहां तक अंगुली डाल सकते हैं ना, तो वो पार्ट क्या होता है, वेस्टिब्यूल। और फिर उसके आगे वाला पार्ट जहां पे नाक में हम लोग अंगुली नहीं ले जा सकते, तो वो वाला पार्ट होता है रेस्पिरेटरी, क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी पार्ट। बोलो कि कोरोना हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे रेस्पिरेटरी रीजन, तो ये तो जगह हो गई जहां पे क्या हो रहा है। हाँ, तो वेस्टिबुल के पीछे ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रीजन। मैं इसके नाम लिख देती हूँ, तो ये तो यहाँ पे हो जाएगा वेस्टिब्यूल, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पे रेस्पिरेटरी रीजन। ये जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है ना, यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। अभी दो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो सुनो,
एक हो जाएगा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे स्क्लेडेरियन मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन, स्क्लीडेरियन मेम्ब्रेन। बेसिकली इस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, स्मेल सेंस करना, आपको स्मेल आती है ना, तो स्मेल को सेंस कौन करता है, तो आप लोग बोलोगे स्लीडेरियन, स्लीडेरियन कौन, स्लीडेरियन मेम्ब्रेन। तो ये क्या करती है, टेक्निकली स्मेल को सेंस करता है। और ये जो स्लीडेरियन मेम्ब्रेन होता है, बेसिकली इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स, और जब कोई भी पार्टिकल इन न्यूरॉन्स को एक्साइट करेगा तो उस केस में क्या होता है, फिर वो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं, और जैसा ब्रेन को सिग्नल मिलेगा तो फिर हमें वैसा क्या होता है, स्मेल आता है। तो ये चीज समझ आ गई, तो ध्यान रखना यहाँ पे स्लेडेरियन मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मेल है ना, तो स्मेल के लिए क्या होनी चाहिए, यहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इतना क्लियर हो गया। और दूसरा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग और बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ध्यान रखना। चलो इसको मैं नहीं लिखती हूँ, तो ये हो जाएगा स्लेडेरियन मेम्ब्रेन जो स्मेल को क्या करता है, सेंस करता है। और दूसरा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टर्बाइन्स। अब ये टर्बाइन्स क्या होते हैं, टर्बाइन तो सब लोग जानते हो ना, क्या होता है टर्बाइन, टर्बाइन तो सबको पता है, घुमाने वाला। तो यहाँ पे ये जो टर्बाइन्स होते हैं, ये एयर को क्या करेंगे, घुमाने का काम करेंगे। अब क्या घुमा के सीधा हिमालय ले जाना है क्या, हाँ हिमालय नहीं ले जाना है, तो यहाँ पे हम हवा को घुमा क्यों रहे हैं, क्या हमको शौक आ रहा है घुमाने का इसको, हाँ नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, जैसे हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर मान लीजिए कि आप लोग रहते हैं राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर टेम्परेचर हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस, 55 भी होता है, 57 भी होता है, तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है वहां पे। तुम एक चीज सोचो कि अगर इतनी ज्यादा गर्म एयर अगर डायरेक्टली हमारे लंग्स के अंदर गई, तो लंग्स की सेल क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो टर्बाइन्स होते हैं यहाँ पे, जिनके अंदर हवा घूम के जाती है, तो इन टर्बाइन्स के अंदर जब हवा घूम के जाएगी तो हवा की क्या हो जाएगी, कूलिंग, हवा का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, कम, मतलब 50 से 45, 45 से 40, एंड 40 से कितना हो जाएगा, 30, मतलब 40 के अराउंड हो जाएगा, इतना मतलब अराउंड नियर बाय कितना हो गया, 37 हो गया ना। अब अगर मान लो कि हम लोग रहते हैं हिमाचल के अंदर, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री भी हो सकता है, 5 डिग्री भी हो सकता है, वो तो आपको ही पता है, ठीक है। तो अगर सोचो कि इतनी ज्यादा ठंडी हवा अगर डायरेक्टली लंग्स में गई, तो फिर अगेन प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी बेटा, कि हमारे जो लंग्स के जो सेल्स है वो इतने ज्यादा लो टेम्परेचर पे उनकी डेथ हो जाएगी। तो अगेन ये जो टर्बाइन्स होते हैं, ये टर्बाइन्स क्या करेंगे, हवा को घुमाने का काम कर दे। तो हमारे इंटरनल नॉस्ट्रिल के अंदर, सॉरी रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर, मैं भी डायग्राम बनाऊंगी, टर्बाइन्स पर प्रेजेंट होते हैं जहां से हवा घूम के जाती है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर रेगुलेशन हो जाएगा। तो पहला काम तो इसका क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। और दूसरा काम, जो हम लोग एटमोसफियर से जो एयर इनहेल कर रहे हैं वो कैसी होती है, ड्राई एयर होती है। और अगर ड्राई एयर डायरेक्टली अगर लंग्स में गई, तो लंग्स कैसे हो जाएंगे, ड्राई, तो अगेन क्या हो जाएगा कि जो लंग्स की सेल्स होती है उनकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे हवा को क्या करना होगा, मॉइस्ट। तो बेसिकली ये जो टर्बाइन्स होते हैं, इन टर्बाइन्स के अंदर जब हवा घूम घूम के जाएगी, तब वहां पे टेम्परेचर भी रेगुलेट हो जाएगा, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर के नियर बाई आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा, जो ड्राई एयर होगी उसको मॉइस्ट कर दिया जाएगा, ह्यूमिड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेजल कॉन्ची, क्या डिस्कस करने चाह रहे हैं, नेजल कॉन्ची। अब कॉन्ची मतलब मैं बात कर रही हूं टर्बाइन्स के बारे में, तो ये नेजल टर्बाइन्स होते हैं। अब ये नेजल टर्बाइन्स होते कितने, 3, सुपीरियर, मीडियन और इंफीरियर। चलो देखो डायग्राम, जैसे ये हमारा हो गया नाक, और ये बीच में क्या होता है, सेप्टा होता है ना, फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दीज आर
एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। पढ़ाई चल रही है ना सब लोगों को? देखो थोड़े दिन की और बात है, फिर लॉकडाउन खुल जाएगा, क्योंकि अब कोरोना ऑलमोस्ट सबको फैलने जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये खराब चीज भी ऐसा कहना बेटा, बट क्या कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो जाएगा। और मेरे कहने का मतलब ये बेटा, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमारे टोटल 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं बायोलॉजी के अंदर, और वो कहने के लिए 3 है, मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। 4 चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो सोचो कि अब जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो बिल्कुल फ्रेश जो स्कूल के अंदर स्टार्ट करेगा, क्या वो आपके साथ कॉम्पीट कर पाएगा क्या? नहीं ना। तो पढ़ाई करते रहो, क्योंकि शांति से, इसके अलावा हमारे पास काम ही क्या है बेटा। हाँ, मेरे पास पढ़ाने के अलावा काम नहीं, और तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कुछ काम नहीं। अब भगवान ने एक ही काम दिया है, वो भी नहीं करेंगे क्या? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं डायग्राम बनाने जा रही हूँ ये टर्बाइन्स का। तो ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना, दीज आर सुपीरियर टर्बाइन्स। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुपीरियर टर्बाइन्स, या इसको सुपीरियर कौनसी भी आप बोल सकते हो। चलो मैं सिंपल कर देती हूँ, सुपीरियर टर्बाइन्स। फिर आप जो मैं ग्रीन कलर से डायग्राम बना रही हूं, तो ये ग्रीन कलर वाला क्या हो जाएगा, दिस इज मीडियन टर्बाइन्स। ये हो जाएगा यहाँ पे मीडियन टर्बाइन्स। और एक लास्ट बचा कौन सा, सुपीरियर वन। जो टर्बाइन्स आपको सबसे बड़ा दिख रहा है, आप लोग नोट्स तो बना रहे हो ना सब लोग? तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, सॉरी इंफीरियर, सबसे नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, इंफीरियर टर्बाइन्स। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टर्बाइन्स। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब हवा यहाँ पे जाएगी तो इन टर्बाइन्स के बीच में से हवा क्या होगी, घूमती भी जाएगी ना। तो हवा जब घूमते घूमते जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका ह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा और इसका टेम्परेचर रेगुलेट किया जाएगा। तो मैं इसका फंक्शन यहां पे लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि उधर स्पेस नहीं है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो यहां पे इन टर्बाइन्स का फंक्शन हो जाता है पहला, ह्यूमिडिफिकेशन, एयर को ह्यूमिड बनाना, और दूसरा काम होता है टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ एक्सटर्नल एयर, जो हम लोग एयर इनहेल कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये पढ़ा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और फिर उसके बाद में हमने ओनली कंप्लीट किया है कौन सा, नेजल कैविटी। फिर नेजल कैविटी ओपन होता है कहाँ पे, इंटरनल नॉस्ट्रिल के अंदर। और नेजल कैविटी का आगे वाला पार्ट क्या होता है, वेस्टिब्यूल, जहाँ पे हेयर और म्यूकस सिक्रेट होता है। वैसे आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि ऑलमोस्ट आपका नियर बाय 90% जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, वो पूरा म्यूकस लाइनिंग होती है। और म्यूकस क्यों, अगेन बैक्टीरिया को ट्रैप करने के लिए, डस्ट को ट्रैप करने के लिए। तो हम बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया, कंप्लीट रेस्पिरेटरी एंजाइम, सॉरी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाता है, इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये सारा ही कवर्ड होता है किससे, म्यूकस मेम्ब्रेन से, जो मिनिमाइज करता है इंफेक्शन को, जो बैक्टीरिया को ट्रैप करने का काम करता है। क्लियर हो गया? तो ये वाला का पार्ट हो गया। फिर हमने यहाँ पे रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर 2 चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था यहाँ पे स्लेडेरियन मेम्ब्रेन, जो टेक्निकली क्या करती है, स्मेल को सेंस कर सकती है,
क्योंकि यहाँ प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स, तो जो कोई भी पार्टिकल हमारी उन न्यूरॉन्स को जब स्टिमुलेट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या आती है, फिर स्मेल आने लगती है ना। और दूसरा ये वाला हो जाएगा नेजल कॉन्ची। नेजल कॉन्ची को हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं हम लोग टर्बाइट्स। सो यहाँ पे मैंने तीन टर्बाइट्स बनाए हैं, सुपीरियर टर्बाइट्स, मीडियम टर्बाइट्स और लास्ट हो जाएगा कौन सा, इंफीरियर टर्बाइट्स। और इनके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है नेजल सेप्टा, इसका नाम भी मैं लिख देती हूँ। तो दिस इज नेजल सेप्टा। सेप्टा मतलब, अगर ये सेप्टा बायोलॉजी में कभी भी आता है तो सेप्टा मीन्स होता है वॉल या फिर दीवार, ये समझ आ गया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि देखो ये जो एयर है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहाँ पे आएगी, वेस्टिबुल के अंदर, वेस्टिबुल से रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर, फिर आ जाएगी इंटरनल नॉस्ट्रिल के अंदर। और फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज फेरिंग्स। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। अब जो फेरिंग्स होता है, देखो इसके नाम के पीछे क्या आ रहा है, इसके नाम के पीछे एक्स आ रहा है। अब एक्स का मतलब क्या होता है, क्रॉस ना। तो अभी इसको क्रॉस क्यों बन रहा है, यहाँ पे क्रॉस का कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या होता है, फूड आएगा, क्योंकि ये तो बकल कैविटी है ना, तो यहाँ से हम लोग खाना खाते हैं तो यहाँ पे फूड होगा। अब फूड किधर जाएगा, फूड जाएगा ईसोफेगस के अंदर। और यहाँ से कौन आ रही है, एयर आ रही है, तो एयर कहाँ पे जाएगी, विंड पाइप के अंदर। तो ये बीच में क्या बन रहा है, यहाँ पे एक जो जंक्शन बन रहा है, क्रॉस जंक्शन। तो इस क्रॉस जंक्शन को बोला जाएगा क्या, फेरिंग्स। क्लियर हो गया। अच्छा फेरिंग्स के भी देखो आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं, कौन सा, जहां पे ओरल कैविटी है तो ये वाला जो फेरिंग्स होता है दिस इज ओरोफेरिंग्स। जहां पे इंटरनल नॉस्ट्रिल होता है इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। और यहां पे प्रेजेंट होता है लैरिंग्स तो इसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। जो आपको नहीं पढ़ना है कोई काम का नहीं है, बस आप ध्यान रखना कि ये वाला जो क्रॉस पोर्शन होता है ना, क्रॉस रीजन, इसको क्या बोला जाता है, फेरिंग्स बोला जाता है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे विंड पाइप के ऊपर, और ये वाला कौन सा होता है, फूड। तो हमारा चैप्टर किधर जाएगा, अब हम एंटर होने वाले हैं फिलहाल इस चैप्टर के अंदर विंड पाइप के अंदर। तो विंड पाइप कहाँ की तरफ होता है, आगे की तरफ। अब इस आगे वाले पोर्शन को आप क्या बोलोगे, डॉर्सल या वेंट्रल। तो आप सब बोलोगे आगे वाला पोर्शन मतलब डॉर्सल। अरे रुक जाओ रुक जाओ, हम लोग कहाँ से इवॉल्व हुए, हमारे जो एंसेस्टर थे वो पहले कैसे चलते थे, ऐसे चलते थे ना। तो हमारे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो ध्यान रखना हमारा डॉर्सल साइड ये होता है और आगे वाला साइड वेंट्रल साइड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विंड पाइप कहाँ प्रेजेंट होता है, ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है। और डॉर्सल कौन प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है ईसोफेगस, क्योंकि हम ऐसे इवॉल्व हुए थे तो हमारा डॉर्सल साइड ये होता है और ये नीचे वाला पार्ट है। बट अब हम लोग उल्टा बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रेकिया प्रेजेंट होता है हमारी वेंट्रल साइड की तरफ और ईसोफेगस प्रेजेंट होता है ट्रेकिया और हमारी बैकबोन, जो मतलब स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, मतलब वर्टिबल कॉलम, तो रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो बैकबोन हो गया, ये जो क्या बोलते हैं वर्टिबल कॉलम हो गया, वर्टिबल कॉलम, और ये क्या होता है, ट्रेकिया होता है। तो इनके बीच में सिचुएटेड होगी क्या, ईसोफेगस, मींस डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगी। इतना समझ आ गया। अब ये जो विंड पाइप होता है ना, इस विंड पाइप का आपको ये दिखाई दे रहा है ओपनिंग। इस ओपनिंग को बोला जाता है क्या, ग्लोटिस। तो ग्लोटिस टेक्निकली क्या है, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। जैसे एक पाइप होता है ना बेटा, तो इस पाइप का ये क्या होता है, मुंह होता है ना, माउथ है ना, ओपनिंग। तो इस ओपनिंग को क्या बोला जाएगा, ग्लोटिस। बट वहीं पे ईसोफेगस की ओपनिंग को बोला जाता है गुलेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुलेट। अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं कि खाना खाते वक्त बीच में बात नहीं करना। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक होता है, वो लॉजिक सुनो। देखो जब आप खाना खाते हो ना तब प्रॉब्लम नहीं है, जब आप जैसे खाना निगलने की कोशिश करोगे ना, तो जैसे ही निगलोगे तो अब आपके पास फूड के पास रास्ते कितने, दो।
अब फूड जो है वो विंड पाइप में भी जा सकता है और फूड यहाँ पे फूड पाइप में भी जा सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस विंड पाइप को कवर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एपिग्लोटिस। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये आपने अपना गला देखा होगा, खैर ये तो एक्सपेरिमेंट आपने किया है बचपन के अंदर, हम बहुत क्यूरियस थे अपने बारे में जानने के लिए इंटरनली हम लोग कैसे हैं। तो ये काम तो सबने किया होगा, मिरर उठाया होगा, आ किया होगा, तो आपने देखा होगा एक गले के अंदर ऐसी घंटी लगी होती है। सो बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज एपिग्लोटिस। एपी मीन्स अपर एंड ग्लोटिस मतलब ये वाला ग्लोटिस। तो ये टेक्निकली करता क्या है, एपिग्लोटिस को कवर कर देता है, वो भी कब, ड्यूरिंग डिग्लोटेशन। स्वॉलर मतलब खाना को निगलते वक्त ये एपिग्लोटिस क्या करेगा, ग्लोटिस को कवर कर देगा। तो ग्लोटिस को कवर करने वाला एपी मतलब ऊपर, तो ग्लोटिस के ऊपर, तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा क्या, एपी ग्लोटिस। समझ आ गया, या फिर इसको हम लोग यूविला भी बोलते हैं, छोड़ो काम करिए। तो ये चीज क्या हो जाएगा, दिस इज एपी ग्लोटिस। तो अगर मान लो कि आप खाना निकल रहे हो और उसी वक्त आपने जैसे ही बोलने की कोशिश करोगे तो ये एपिग्लोटिस क्या हो जाएगा, हट जाएगा और खाने के फूड पार्टिकल जो है यहाँ पे ग्लोटिस के अंदर विंड पाइप में एंटर हो जाएंगे। तो आपको एकदम से क्या आती है, फिर तेज खांसी आती है ना, और खांसना से कितना हाल खराब होने लगता है। तो इसलिए हम लोगों को बोला जाता है कि खाना खाते वक्त बीच में नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, अब जब मैंने ये आपको चीजें एक्सप्लेन की है ना, तो कुछ बच्चों ने एक मिसकॉन्सेप्ट बना लिया यहाँ पे कि खाना खाते वक्त ये एपिग्लोटिस जो है ग्लोटिस को कवर कर देता है। बेटा आप खाना तो आधा घंटा भी खाते हो, हाँ जैसे मैं, मुझे खाना खाने में बहुत टाइम लगता है। तो खाना खाते वक्त आधा घंटा खाना खा रही हूँ तो क्या मैं आधा घंटा सांस ही नहीं लूंगी क्या, हाँ। तो ध्यान रखना, खाना खाते वक्त नहीं, खाने को निगलते वक्त ये एपिग्लोटिस जो है ग्लोटिस को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। समझ आ गया, ताकि फूड जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहां पे नहीं जाए, विंड पाइप के अंदर नहीं जाए, क्लियर। चलो, तो विंड पाइप की ओपनिंग को क्या बोला जाता है, ग्लोटिस, और ईसोफेगस की ओपनिंग को बोला जाता है क्या, गुलेट। समझ आया, ठीक है। अब हम लोग एंटर हो जाते हैं कहां पे, विंड पाइप के अंदर। तो ये सारा मैं रब कर दू, पढ़ाई करना मुझे ऐसा लगता है मतलब सबसे ज्यादा आसान काम है। तुम लोग तो इतने लकी हो बेटा कि तुमको सब पढ़ाया जा रहा है, आपको करना क्या है, सिर्फ इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं और उसको अच्छे से याद करना है और एनसीईआरटी पढ़ना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सोचो बेचारे वो गरीब बच्चे जिनको ये सब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बेटा, तो वो लोग तो कैसे ही पढ़ाई कर रहे होंगे, भगवान जाने। और बेटा डॉक्टर तो वो भी बन जाते हैं जो बहुत ही पागल होते हैं, डेस्परेट होते हैं ना, बिल्कुल जिद्दी जिसको बोलते हैं, तो सिलेक्शन तो उनका भी हो जाता है बस। तो हमें चीजें कितनी स्मूथली मिल रही है ना, तो इन चीजों को फायदा उठाओ आप लोग। चलो, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम एंटर हो जाते हैं कहां पे, विंड पाइप के अंदर। देखो, जहां से हमारा विंड पाइप स्टार्ट होता है ना, ग्लोटिस, ठीक है, बिल्कुल वहीं पे हमारा प्रेजेंट होता है साउंड बॉक्स, जिसको क्या बोला जाता है, लैरिंग्स। तो अभी हम लोग लैरिंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये मैं क्या बना रही हूँ, दिस इज ट्रेकिया। ठीक है, और ट्रेकिया आगे फर्दर ब्रांच होगा किसमें, ब्रोंकाई के अंदर। तो दिस इज
ब्रोंकाई भी थ्री टाइप की होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई। पढ़ाऊंगी, रुक जाओ। तो अभी फिलहाल के लिए याद रखिए कि ये कौन है, ब्रोंकाई, और ये हो जाएगा हमारा विंड पाइप, जिसको बोला जाएगा ट्रेकिया, और विंड पाइप की ओपनिंग को बोला जाएगा, तो इसकी ओपनिंग को बोला जाएगा यहाँ पे क्या, ग्लोटिस। एंड ग्लोटिस को कौन कवर करेगा, तो आप लोग बोलोगे एपिग्लोटिस। सो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है क्या, साउंड बॉक्स। मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया है साउंड बॉक्स, तो ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे साउंड बॉक्स, या फिर इसको बोलेंगे क्या, लैरिंग्स। तो साउंड बॉक्स या फिर इसको बोलेंगे लैरिंग्स। तो फैरिंग्स में पी की जगह लगा दो एल, तो फैरिंग्स, और ये बन जाएगा लैरिंग्स। चलो इतना क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे साउंड बॉक्स का पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे, बट फिलहाल उससे पहले मैं आपको ट्रेकिया और ब्रोंकाई के बारे में कुछ चीजें पढ़ाती हूँ। देखो हम लोगों ने क्या बोला था कि हमारे नाक के अंदर जो नेजल कैविटी होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हेयर, और सिक्रीट होता है म्यूकस, जिसका काम होता है एयर को फिल्टर करने का। पर क्या मुझे बताइए, जो एयर हमारे लंग्स तक पहुंचेगी, मींस जो इंटरनल नॉस्ट्रिल को क्रॉस करके कहां पे आ रही है, ट्रेकिया के अंदर आ रही है, क्या वो 100% फिल्टर हो गई क्या? नहीं ना, अभी भी उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी है और बहुत सारे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। तो अभी भी उस एयर को हमें और फिल्टर करना है। तो और फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर सिक्रेट होता है म्यूकस। यहाँ पे ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर क्या सिक्रेट होगा, म्यूकस। तो ये फिल्ड होता है किससे, म्यूकस से। चलो तो यहाँ पे क्या फिल्ड होगा, म्यूकस फिल्ड होगा। तो अब म्यूकस यहाँ पे अगर फिल्ड होगा, तो ये तो चलो मान लिया मैडम कि जो हवा यहां से आएगी, तो इस म्यूकस के ऊपर जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, वो सारे स्टिक हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम क्या होगी, अब जो एयर नीचे जाएगी वो तो चलो फिल्टर हो गई, बट प्रॉब्लम ये होगी मैम कि शायद हम ग्रेविटी फोर्स के बारे में जानते हैं। अब ये जो म्यूकस होगा, इस म्यूकस के ऊपर लगेगा ग्रेविटी फोर्स, तो ये म्यूकस सारा कहां जाएगा, नीचे की तरफ, और नीचे लंग्स में जाके डिपोजिट हो जाएगा। तो पहले तो सिर्फ डस्ट जा रही थी, अब तो डस्ट के साथ साथ म्यूकस भी जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों, ये म्यूकस लंग्स में क्यों नहीं जा रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारी जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई होती है, इनके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सीलिया। अब सीलिया और फ्लेजिला आप समझते ही हो ना, मैंने जस्ट आपको भी कंप्लीट करवाया बेटा, सीलिया याद है, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया भी था आपको 10L वाले टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, तो ट्रेकियल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, सीलिएटेड वॉल होती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, और शायद हमने पढ़ा था कि जो सीलिया होते हैं वो एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये सारे सीलिया कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, एंड जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो सारा का सारा जो म्यूकस होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, जो भी एक्सेस म्यूकस होगा वो आ जाएगा कहाँ पे, माउथ के अंदर, मींस बकल कैविटी में। देन आपकी चॉइस कि आप उस म्यूकस का क्या कर दो। ठीक है, तो ये चीज होता है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये क्या फील्ड होता है, म्यूकस फील्ड होता है, और ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे सीलिया। तो आपको मैं बताऊंगी कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, सीलिएटेड होती है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग चीज सुनो कि जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई होती है ना, ये मैंने क्या बनाया, ट्रेकिया, और ये मैं क्या बना रही हूँ, ब्रोंकाई। ठीक है, तो ट्रेकिया और जो ब्रोंकाई होती है, अब हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट ये है कि आपके पास सपोज करो एक पाइप है, ठीक
ठीक है, जो बहुत ही फ्लेक्सिबल पाइप है, बिल्कुल नाजुक सा पाइप है। देखो उस पाइप के अंदर जब हम लोग हवा देते हैं ना, तो पाइप फूल जाएगा तब तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर सोचो कि वो पाइपलाइन थोड़ी फ्लेक्सिबल है, कमजोर सी वॉल है ना, फ्लेक्सिबल है। अब आपने क्या किया, उस पाइप में से हवा खींचो दो, तो पाइप क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा ना, कॉलेप्स हो जाएगा। तो अब तुम सोचो कि जब हम लोग क्या कर दें, ये हमारे ट्रेके और ब्रोंकाई आपको दिख रहे हैं, तो जब हम सांस अंदर लेंगे ना, तो इस पाइप के अंदर जब हवा अंदर जाएगी तब तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही हम लोग सांस छोड़ेंगे, ये हवा जब बाहर निकलेगी, तो हमारे ट्रेकिया और ब्रोंकाई पिचक नहीं जाएंगे, कॉलेप्स हो सकते हैं ना। तो अब बताओ क्यों नहीं होते, सब लोग जानते हो क्या? यहाँ पे गले पे हाथ रखो और यहाँ पे फील करो, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे गले के अंदर कुछ रिंग जैसी स्ट्रक्चर है ना? तो यहाँ पे रिंग होती है प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होगी, रिंग। और रिंग्स को हम लोग बोलते हैं शी शेप्ड रिंग, क्योंकि होती ही कैसी है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो ऐसा होता है सी। आप इसको सी क्यों बोलते हैं, यू क्यों नहीं बोलते, तो अभी मैं इसका रीजन आपको बताती हूँ। तो दिस इज शी शेप्ड कार्टिलेज, और ये बना किसका होता है, कार्टिलेज का। अब कार्टिलेज तो तुम सब लोग जानते ही हो, जी वाला जो होता है ना, दिस इज कार्टिलेज। तो ये होता है सी शेप्ड कार्टिलेज, हो गया, इतना क्लियर हो गया। नाउ अब इनका सी शेप क्यों बोलते हैं हम लोग, और इनका काम क्या होता है? सो बेसिकली पहले तो मुझे बताओ, ये जो रिंग होगी ना, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग, तो ये जो रिंग होती है, ये पाइप के अंदर की तरफ प्रेजेंट होगी या बाहर की तरफ? यूज करो थोड़ा सा कॉमन सेंस। अरे भाई, पाइप के अंदर लगाओगे ना रिंग, क्योंकि कहीं वॉल पिचक ना जाए, तो रिंग कहाँ लगानी होगी, अंदर की तरफ, है ना? तो ये सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग जो होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉलेप्स ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, वो भी कब, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ये ध्यान रखना, मतलब जब हम लोग गैसेस निकालते हैं, उस टाइम इन पाइप के पिचकने के चांसेस होंगे। सो वॉल के अंदर हम लोग इन पाइपलाइन के अंदर लगाते हैं इस तरह के रिंग। अब इनका शेप जो होता है वो सी शेप्ड क्यों होता है, क्योंकि मैंने जस्ट आपको पढ़ाया था बेटा कि जो ट्रेकिया होता है और जो ब्रोंकाई होती है, इसके बिल्कुल पीछे यहां प्रेजेंट होती है ईसोफेगस। यहां कौन प्रेजेंट होती है, ईसोफेगस। अब तुम एक चीज सोचो कि कभी हमने फूड पार्टिकल जब हम लोग खाते हैं ना, तो उसके क्या बनाते हैं, एक मुंह में बनाते हैं बॉल, ठीक है, फिर उसकी बॉल बना के हम उसको निगल जाते हैं। अब तुम सोचो कि कभी यहाँ पे जब ये बॉल बनेगी, तो ये रेड कलर क्या हो जाएगा, ये रेड कलर हो जाएगा यहाँ पे, फूड बॉल। अब ये बॉल जब आगे मूव करेगी, तो क्या होना चाहिए, ईसोफेगस के वॉल फ्लेक्सिबल होने चाहिए ना, तो जो फूड बॉल के साइज के अकॉर्डिंग जो है अपनी बॉल को एडजस्ट कर ले। सो उस केस के अंदर यहां प्रेजेंट होती है सी शेप्ड की रिंग, मतलब ये कंप्लीट रिंग नहीं होती है, ये कंप्लीट रिंग नहीं होगी। तो ये जो ईसोफेगस की जो वॉल होती है ना, ये यहां पे हो जाएगी फ्लेक्सिबल। मान लीजिए कि फूड बॉल यहां पे है, तो ये ईसोफेगस थोड़ी सी इधर चली जाएगी, फिर अगर फूड बॉल जब आगे आएगा, तो ये ईसोफेगस थोड़ी इधर आ जाएगी, एंड जब फूड बॉल आगे जाएगा, तो ये ईसोफेगस थोड़ी किधर आ जाएगी, इधर। तो फूड बॉल को एडजस्ट करवाने के लिए, ईसोफेगस को एडजस्ट करवाने के लिए, ये कैसा होता है, सी शेप्ड कार्टिलेज, है ना, रिंग होता है। तो अगर इस रिंग की मैं बात करूं, तो ये ऐसी होती है ना, तो ये कंप्लीट रिंग होती है या इनकम्प्लीट रिंग, तो हम बोलेंगे कि ये इनकम्प्लीट रिंग होती है। तो कौन से साइड से आपको इनकम्प्लीट मिलेगी, ये तो होता है वेंट्रल साइड, ये कौन सा साइड होता है, वेंट्रल साइड।
तो वेंट्रल साइड से तो ये क्या होगी, कंप्लीट होगी, है ना। बट पीछे क्या होता है, डॉर्सल साइड जहां से ईसोफेगस प्रेजेंट है, तो वहां पे ये कैसी होगी, इनकम्प्लीट होगी। समझ आया? ठीक है, चलो तो आज के लिए हम लोग इतने ही टॉपिक रखते हैं। मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग लेयरिंग्स का डायग्राम पढ़ेंगे। तो आज मैंने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया है, फटाफट इसको रिवाइज करो और इनकी अच्छे से नोट्स बना लो, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा अगेन छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब 7-8 लेक्चर तो लगेंगे। अरे 7-8 लेक्चर के 11th में कोई चैप्टर है नहीं इतने छोटे। तो चलो समझ आ गया। तो ये क्या है ना, थोड़ा आपको इस तरह से थोड़ा डिफरेंट चैप्टर भी मिल जाएगा और हमें काउंट करने के लिए भी मिल जाएगा कि हाँ 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। एंड होप सो इसके बाद में चैप्टर स्टार्ट करूंगी 10 सेल, नहीं सेल डिविजन, ठीक है। चल टाटा बाय बाय आज के लिए, जय हिंद, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई करते रहो।